अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स का ऑपरेशन, 12 मुलजिम गिरफ्तार। नीपियर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कभी मूसलाधार तो कभी पड़ी फुहार, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मौसम खुशगवार। कराची में हल्की बारिश ने बिजली को भगा दिया, कई इलाकों में रात से आंख मचोली जारी। समुद्री तूफान आइजिक ने हेटी में तबाही फैलाने के बाद फ्लोरिडा का रुख कर लिया। राजा जी का राज क्या रहेगा बरकरार, पीपल्स पार्टी या हिकमत अमली पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेगी। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतासरीन का सड़क ब्लॉक करके मुजाहरा। बेगम कुरतुलैन ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के लिए कायम किया गया, कानूनी माहिरीन ने ट्रस्ट से मुतालिक फैसल रजाबदी का दावा हकायक के बरक्स करार दे दिया। नवाब अकबर बुगती की छठी बरसी पर कोयटा में शटडाउन, रुपया जाम, हड़ताल, सरयाब रोड, मुश्तिल अफराद का टायर जलाकर एहतजाज। आजादी नेमत है लेकिन कराची की जेलों में बच्चे अपनी माओं के जुर्म की सजा काटने पर मजबूर। मारूफ कॉलम निगार, दानिश्वर और बेबाक तज्जियाकार हारून रशीद भी रोजनामा दुनिया से वाबस्ता हो गए। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत ऑस्ट्रेलिया के 226 रन के हदफ का ताकुब कर रहा है।